वेलकम बैक। हम प्लेऑफ की बात कर रहे थे तो कराची किंग्स बीट यूनाइटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड टू क्रूज थ्रू टू थर्ड प्लेऑफ। जी बिल्कुल डॉक्टर दिलनिशी, और इस मैच की खास बात यह थी कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो ये मैच एक लो स्कोरिंग मैच हार गई और 126 रन कराची किंग्स ने डिफेंड कर लिए। ये पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का लोएस्ट एवर टोटल है जो कि डिफेंड किया गया। पिछला रिकॉर्ड जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का था जो 132 रन पे मुहित था। 132 रन का जो टारगेट है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डिफेंड करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया था, और अगर वो आज का मैच जीत लेते तो शायद 126 रन का जो रिकॉर्ड है ये कराची के नाम ना आता। लेकिन अब कराची का जो टोटल है ये लोएस्ट एवर है 126 का जो है कि जो डिफेंड हो सकता था जो डिफेंड ना हुआ, और एक वन साइडेड मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को कराची किंग्स ने इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। एलिमिनेटर मैच था ये, और इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को अब घर वापस जाना होगा। हाँ जी बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं मैचेस की, कुछ झलकियां जो कि देख रहे हैं हमारे जी। अच्छा, मैं झलकियों से पहले मैं बताना चाहूँगा कुछ, अगर मैं बताना सकूँ अपने नाज़रीन को, कि इसी मैच के बारे में दो बड़ी मज़ेदार बातें। रोमान रईस, इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक अच्छा नाम और एक नया इजाफा, और शायद होने आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान के लिए भी खेलें, जहाँ पर मुख्तलिफ खिलाड़ी जो हैं वो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी सेलिब्रेशन का अंदाज़ जो है बड़ा मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं पीछे वीडियो क्लिप्स में भी कि क्रिस गेल को आउट करने के बाद उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प और अनोखी किस्म की सेलिब्रेशन की, और काफ़ी जो है वो काम एंड कूल रह के करते हैं, तो जिस पे उनको तनकीद का सामना भी था। और मोहम्मद आमिर ने उसके बाद जब दोबारा रुमान रईस ने बैटिंग कर रहे थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बैटिंग कर रही थी, तो वहाँ पर आमिर ने जो है उनका मजाक भी उड़ाया। और अगर आपको हम क्लिप में दिखा सकें कि जब रुमान रईस जो है आउट हुए, तो जब लास्ट बॉल पे उन्होंने दो बॉल्स खेली, एक में उन्होंने छक्का मारने की कोशिश की स्ट्रेट में और कैच आउट हो गए उसके बाद, तो आमिर ने जो है वो सेम ट्रोल किया जो हरकत वो कर रहे थे। रोमान रईस के सामने ही उन्होंने थोड़ा सा उनको कोशिश की मजाक करने की, तो आई थिंक के थोड़ा सा वो कुछ देखने वाले को अच्छा नहीं लगा कि अगर आमिर उसको दरगुजर कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। हाँ जी बिल्कुल, वैसे भी माफ़ करना बड़ी अच्छी बात है। और पॉलर्ड की बात करते हैं, पॉलर्ड ने इस्लामाबाद यूनाइटेड डिफेंडिंग चैम्पियन PSL 1 को उन्होंने आउट किया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। कराची किंग्स को जीत का जो है वो सामना हुआ इस वजह से। जी, पॉलर्ड ने जब इस्लामाबाद को बाहर किया तो वो इस तरह से किया कि एक तो वो कराची को वापस लाने वाली भी वही थे, और इसके अलावा जो लॉन्ग आई थिंक लॉन्ग ऑफ पे था, अगर मैं गलती पे नहीं, लॉन्ग ऑन पे जो छक्का लगने को था वो भी पॉलर्ड ने कैच किया, एंड पॉलर्ड ने कराची किंग्स की तरफ से इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट कर दिया। उस कैच को और विनिंग मोमेंट्स को भी हम देखना चाहेंगे उनके जो मैच के अख्तितामी लम्हात थे, कि जब पॉलर्ड ने जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अगर हम देख सकें थोड़ी हाईलाइट्स इस मैच की तो उस पर हम ज़रूर देखना चाहेंगे। तो पॉलर्ड ने जो कैच लिया वो इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो पॉलर्ड की कैरियर का 195th कैच था T20 का, जो कि एक मोस्ट इन द T20 हिस्ट्री है। और पोलर्ड ने 175 प्रीवियस जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। अब ये जो नाकाबिले तस्खीर जो रिकॉर्ड है ये टैली जो है ये 195 रन पे जा चुकी है। तो पहले जिनका था उनका कितना था? द नेक्स्ट क्लोजर वाज द ब्रेवो के पास था, जो ब्रेवो का रिकॉर्ड तोड़ा वो 175 था, और अब जो है पॉलर्ड जो है वो सिंगल हैंडेडली जो है जो 195 पे 20 की लीग जो है वो ले चुके हैं। और ब्रेवो जो है आपको मालूम है कि वो लाहौर कलंदर का हिस्सा थे, लेकिन जख्मी होने के बायस वो ये जो है वो मैच ये PSL नहीं खेल सके। तो जहां मैंने आपको बताया था कि कराचीज फेवरेट सन, कराची स्पीक्स वन लैंग्वेज, कराची नोज वन नेम, कैरन पॉलर्ड, वहीं पर आपको कैरन पॉलर्ड के कुछ हीरोइक्स दिखाना चाहूंगा कि जो बैटिंग क्लिप्स हमारे पास हैं वो देखना चाहेंगे। हैव अ लुक ऑन दिस क्लिप्स। Oh, hello. Has he got enough on it? Has he what? Oh,
holy schmoly! जी, और ये देखिए आपने पॉलर्ड की इनिंग्स की झलकियां, और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कैपिटल है कराची का जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कैरन पॉलर्ड की ये हीरोइक्स थी। अनफॉर्चुनेटली कराची जो है वो आगे एक्सेल नहीं कर सका, अभी आगे आपको चल के बताती हैं। लेकिन छोटी सी बात, आखिरी बात करना चाहूंगा इस मैच के बारे में कि इस्लामाबाद की हार का राज क्या था? लैक ऑफ पार्टनरशिप्स। हाँ, पार्टनरशिप उनकी नहीं हो सकी। छोटी सी एक पार्टनरशिप दिखाई दी जो मिसबा और आसिफ के दरमियान हुई, लेकिन ये कि वो भी मेरे ख्याल हार्डली 17 रन की जो पार्टनरशिप हुई, बिल्कुल ठीक कह रही है दिलनशी, मिसबा और आसिफ के माबैन वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स की सबसे लंबी पार्टनरशिप थी। उसके बाद जो अगली पार्टनरशिप हुई वो 8 रन की लगी, और जितनी भी बाकी पार्टनरशिप थी वो कोई भी डबल फिगर में नहीं जा सकी, बल्कि 8 से भी नीचे रही। तो यही थी सक्सेस, जीत का रास्ता कराची किंग्स का, और यही डीन जोन्स और वसीम अकरम की जो टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनकी जो है वो हार का राज था कि पार्टनरशिप और जो कैचेस विन मैचेस, और पार्टनरशिप जो है आपको जितवाती है, पार्टनरशिप अगर नहीं होगी तो आप मैच नहीं जीत सकते। अच्छा, आपने कैचेस विंस मैचेस की बात की है, तो कुमार संगकारा का जो ब्लो आउट कैच था, 39 ईयर ओल्ड यंग बॉय, कराची किंग्स ने एक नौजवान लड़का खिलाया जिसकी उम्र लगभग जो है वो 40 के करीब साल थी, उन्होंने एक कैच पकड़ा। कैच क्या था कि जो उनकी अपनी तो चीखें निकल गईं, जो स्टेडियम में लोग देख रहे थे उनकी भी निकल गई, और जो टीवी पे देख रहे थे उनकी भी निकल गई। एक हैरत अंगेज कैच, नाकाबले यकीन कैच, फ्लाइज टू इज राइट, टेक्स वन हैंडेड स्क्रीमर टू डिसमिस डैन स्मिथ, हार्डली बिलीवेबल, ब्रेथ टेकिंग स्क्रीमिंग कैच, एंड आई थिंक के बेटर डिफाइन इट, अनरियल, टोटल अनरियल, मैजिकल वर्ल्ड। ये कोई मैजिक कैच था जो मैंने अपने अभी रिसेंट जो है टाइम फ्रेम में ये कैच नहीं देखा। और अब बढ़ना चाहेंगे दिलनशीन, थर्ड प्लेऑफ की बात करते हैं, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के माबेन जो हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो भी अच्छा मैच था, देखने को अच्छा मिला काफ़ी। मेरा ख्याल है काफ़ी एक वक्त में लग रहा था कि कराची किंग जो है वो मैच ले जाएगा, क्योंकि पॉलर्ड की जो मैसिव हिटिंग स्टार्ट हो गई थी उसकी वजह से लग रहा था कि एक वक्त में मुझे लगा जब 63 रन चाहिए थे 32 बॉल्स पे, तो लग रहा था कि कराची किंग ये मैच ले जाएगा। लेकिन डिफरेंस इन द मैच वाज वन ऑफ द अकमल, वो अकमल नहीं जो कि नंबर प्लेटें दिखा रही हैं, बल्कि वो अकमल जो मैदान में छक्के मारे हैं। जी हाँ, कामरान अकमल ने इस मैच में सेंचुरी बना डाली, और सेंचुरी क्या बनाई, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड और नई तारीख रकम कर दी। ये इस पाकिस्तान सुपर लीग 2 की पहली सेंचुरी थी। अब पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में सिर्फ 2 ही सेंचुरियां बन चुकी हैं। एक सेंचुरी जो है वो पाकिस्तान के शर्जील खान ने, वो तो PSL 1 में PSL 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए 117 रन जड़ दिए थे फाइनल के अंदर, और अब ये 117 रन की शर्जील खान के बाद ये दूसरी बड़ी बारी थी पाकिस्तान सुपर लीग में जहां पर कामरान अकमल ने सेंचुरी बना डाली। और बड़ा दिलचस्प हुस्न इत्तेफाक आपको बताना चाहूंगा कि कामरान अकमल ने आज से पहले जो सेंचुरियां 160 T20 मैचेस खेले थे और उसके अंदर सेंचुरी नहीं बनाई थी, 160 मैचों में सेंचुरी नहीं बनाई, और जो आखिरी 16 खेले हैं उसमें 2 सेंचुरियां जड़ दी। और जब सेंचुरी की बात की तो एक और बताना आपको नहीं बोलूंगा कि यहां पर इयान मॉर्गन जो इनकी टीम का हिस्सा थे और इंग्लैंड वापस चले गए, जिस वक्त कामरान अकमल ने वहां पर सेंचुरी बनाई उसी वक्त दुनिया के किसी और कोने में इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंग्लिस्तान के कप्तान, ODI कप्तान इयान मॉर्गन ने भी सेंचुरी बना डाली। जी बिल्कुल, दोनों पेशावर ज़ल्मी ने दुनिया के डिफरेंट जोन में सेंचुरियां बनाई, और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों अपनी सेंचुरी बनाने के बाद रन आउट हुए। ज़ायम ज़ालमी। जी बिल्कुल, तो बात करते हैं कामरान अकमल की दोबारा से, आप बताएंगे कुछ व्यूवर्स को कि क्या उनका सेंचुरी का स्कोर कैसा रहा T20 में, किस तरह से। मैं ये कहना चाहूँगा कि कामरान अकमल तो बहुत अच्छा खेले, और पाकिस्तान के लिए अगर पेशावर की टीम के लिए बहुत ही बड़ा ब्लो होगा कि अगर कामरान अकमल फाइनल में ना चले। अगर पेशावर की टीम को फाइनल जीतना है तो कामरान अकमल को स्कोर करना होगा। अब मेरा ख्याल है कामरान अकमल चल पड़े हैं तो अब चल ही पड़े। हाँ, लेकिन एक बार दोबारा बता दूं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान टीम में सरफराज की जगह लेंगे। प्लीज,
तो अच्छा तो नहीं जस्ट किडिंग, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब कराची किंग्स को मैं थोड़ा सा ये एज दूंगा और ये उनकी दाद दूंगा कि वो किस तरह से वापस आए आफ्टर द 3 losses, जिस तरह से वो वापस आए वो काबिले दीद था, एक नाकाबले यकीन वापसी थी जो कराची किंग्स की जो है इस टूर्नामेंट में वापस हुई। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताना चाहूँगा कि वही जब मैं वापसी की बता रहा था कि एक टाइम पे तो मुझे ये लग रहा था कि कैरन पॉलर्ड जो है वो हर सूरत में जो है वो लाहौर जाना चाहते हैं, एक टाइम पे तो ये लग रहा था जिस तरह से वो खेल रहे थे, मैसिव हिटिंग जो है कैरन पॉलर्ड की। अच्छा जी, अब कामरान अकमल की बात हो रही है तो छोटी सी बात कर दूं कि कामरान अकमल ने जब ये हीरोइक्स खेली और 100 रन की बारी खेली और बड़ी इंपॉर्टेंट बारी खेली तो उन्होंने T20 की तारीख में अपने 4000 रन भी पूरे कर लिए। अब वो 4000 रन जो पूरे किए उन्होंने T20 कैरियर में, ये उनके कैरियर का एक बहुत बड़ा संगे मील है। जी बिल्कुल, कामरान अकमल की जहाँ बात करें तो कामरान अकमल बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी एंड ओनली 3rd विकेट कीपर ओवरऑल टू स्कोर मोर देन 1 T20 hundreds। जी, इससे पहले गिलक्रिस्ट और डी कॉक जो है वो 3-3 centuries कर चुके हैं, वरना और कोई भी विकेट कीपर जो है वो T20 के अंदर, गिली का जब नाम लेते हैं तो गिली से आगे तो कोई भी नहीं है, लेकिन लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड्स गिलक्रिस्ट और डी कॉक के अलावा जो है और कोई भी यह कारनामा सर अंजाम नहीं कर सका। पार्टनरशिप जो हुई अकमल और मिलान की तरफ से, आपको ये भी बताना चाहूँ कि ये भी एक बर्बादी का राज था कराची किंग्स का, क्योंकि ये हाईएस्ट एवर पार्टनरशिप थी। इससे पहले जो पार्टनरशिप हुई थी पिछली सुपर लीग में वो हफीज और तमीम के माबैन हुई थी 95 और 93 रन की, वो प्रीवियस बेस्ट थी। क्रिस गेल का प्रोग्राम को ख़त्म करने का टाइम आ गया है और आपको ये बताना चाहूँगा अगर आपको दिखा सकें कि वहाब रियाज ने एक विकेट लिया, बड़ा ज़बरदस्त विकेट था वो, क्रिस गेल का विकेट अगर हम दिखा सकें जी, क्लिप हमारे प्रोड्यूसर चला सकें कि बड़ा एक अच्छे ब्लो थे आखिर में जो वहाब रियाज ने दिए और बड़ा इंपॉर्टेंट बर्स था। क्यों कहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर जो हैं जब बॉल स्विंग करना शुरू होता है और खासकर रिवर्स स्विंग होता है, आल्दो कि इस तरह से रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा था जिस तरह ODI में होता है क्योंकि इतने ओवर्स ही नहीं थे, लेकिन डेथ बॉलिंग के अंदर चाहे वो राणा नवीदुल हसन हो, वहाब रियाज हो, पाकिस्तान का माना हुआ बड़ा नाम वसीम अकरम हो, उनसे बड़ा और कोई नाम नहीं है। ये छोटे से हम क्लिप्स देखते हैं कि वहाब रियाज क्या कर रहे हैं डेथ बॉलिंग के अंदर। Chris Gayle, well, he got one past the leg stump, but not on this occasion. Yeah, very smart bowling by Wahab. He did change the pace, but he did not change the length. The length was fuller, same length, the Yorker length, and a big wicket. जी, ये आपने क्लिप्स देखे और आपने एंजॉय की होंगी वहाब की बॉलिंग। प्रोग्राम में जो है अभी बहुत सी बातें जो हैं वो बाकी हैं, लेकिन मुझे इशारा हो चुका है प्रोग्राम को क्लोज करने का क्योंकि हमें जाना होगा, अब आपसे इजाज़त लेनी होगी क्योंकि टाइम यहाँ पर जो है बाकी नहीं है। जब अगला प्रोग्राम लेके आएंगे तो बहुत सी खबरें लेके आएंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मैंने ये कहा था कि प्रोग्राम जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर मैं वापस बात को लेके जाऊँगा। दिलनिशी से तो पूछ लिया, उनकी टीम कोटक लेडिएटर्स थी और उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदले और साबित किया कि औरतों से जंग कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उन्होंने मेरी फेवरेट टीम पूछी थी और मैंने कहा था कि मैं अपनी फेवरेट टीम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन अगर दिलनिशी मेरे घर से वाकिफ हैं या अगर आप घर मेरे जो है अगर किसी को भेजना चाहें या कोई रब्ता करना चाहें तो इस वक्त मेरे घर में अभी पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल शुरू नहीं हुआ, जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज जिसे हरफे आम में हम कहते हैं, उसके बाएं कोने पे एक चिट पड़ी हुई है जिसके ऊपर टाइम लिखा गया है और मेरी प्रेडिक्टेड टीम लिखी गई है। ये प्लेऑफ से पहले की बात है, उसमें टाइम डेट और मेरी टीम लिखी गई है और मैं उससे कभी भी नहीं बदलूंगा। ये टीम अब जो है आप किसी को मेरे घर भेजेंगी और वो आपको वो चिट ला के देगा और वो चिट हम लाइव आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे कि PSL का विनर और मेरी टीम जो है वो कौन सी है। अगला प्रोग्राम जब लेके आऊंगा तो हम PSL की फातिहा शो कह रही है कि आपकी टीम कौन सी, वो तो मालूम हो जाएगा। अगला जब प्रोग्राम लेके आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग का फातिहा जो है वो हमारे साथ होगा, हम फाइनल मैच जो है आपके पास लेके आएंगे और इसके अलावा उस वक्त तक भारत अपना दूसरा मैच टाइगर्स एट देयर डेन जिनको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो खेल चुके होंगे। हम इन्हीं दोनों मैचों की जानकारी लेके आपके पास दोबारा इसी फोरम पे दोबारा वापस आएंगे। तब तक यहाँ से स्टूडियो से अपने होस्ट
ڈاکٹر عدنان خان اور میری ساتھی ڈاکٹر دلنشین کو اجازت دیجیے. زیم زلمی ٹیک کیئر، بائے بائے زیم زلمی.